आओ इस फोल्डर के अंदर जाओ, इस फोल्डर के अंदर जाओ, इसमें हिडन फाइल शो करो, वो डॉट गेट का छोटा फोल्डर आ रहा है, व्यू पे क्लिक करो, हिडन फाइल शो करो, व्यू पे क्लिक करो, ऊपर ऊपर जो व्यू लिखा हुआ आ रहा है टॉप पे, हाँ जाओ हिडन फाइल, हिडन आइटम्स पे चेक लगाओ, राइट हैंड पे आ रहा है हिडन आइटम्स लास्ट में, सही है ये। अब इस जगह पे खड़े होके ना तुम्हें क्या खोलना है, सीएमडी खोलना है, ऊपर एड्रेस बार में क्लिक करो, एड्रेस बार में क्लिक किया, सब मिटा दो जो पहले से लिखा हुआ है, सीएमडी लिखो, हाँ लेकिन ये सीएमडी लिखने के बाद तुम्हारा वो खुला क्यों नहीं, टर्मिनल तो खुला ही नहीं तुम्हारा यार, तुमने ना एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट किया था क्या, शेयर करते हुए क्या सेलेक्ट किया था, मैंने विंडो टैप किया था। नहीं विंडो टैब नहीं किया था, हाँ तुम ये करो दोबारा से स्क्रीन शेयर करो रोक के, और उसमें तुम एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करना, क्योंकि तुम्हारी फिर वो एक ही विंडो दिख रही है, कुछ और दिखना नहीं है। अभी तो लोड हो रहा है, हाँ हाँ अब मुझे देखो ना पूरा कंप्यूटर दिख रहा है तुम्हारा, नीचे विंडो का बटन वगैरह सब दिख रहा है। अच्छा अब इसमें करो तुम कोड स्पेस डॉट लिखो, ताकि ये वीएस कोड में ओपन हो जाए, CODE, CODE, हाँ एंटर करो, देखो अब जो ये फोल्डर है ना तुम्हारा, ये बिल्कुल सही खुला है, इसमें बनाओ एक फाइल बनाओ, अब TXT टेक्स्ट फाइल जो होती है वो डॉट TXT होती है, TEXT नहीं होती, और फाइल के नाम में स्पेस नहीं देना है आपने, ठीक है, फाइल के नाम में स्पेस नहीं देना आपने, स्पेस दिया है आपने, स्पेस नहीं देना, हाँ स्पेस नहीं देना, हाँ करो एंटर कर दो, लिखो फाइल में कुछ, हाँ बस सेव करो, आगे का क्या स्टेप बताया था मैंने याद है, वो स्टेप्स करो, सेव का बटन दबाओ, कंट्रोल एस, हाँ सेव हो गया ये, गुड। अब आगे का क्या स्टेप था, टर्मिनल ओपन किया, हाँ लिखो यहाँ पे कमांड्स क्या बताई थी मैंने, अब तक तो याद हो गई होंगी कमांड्स, गेट ऐड डॉट, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो, लिखते जाओ, ठीक हो गया। अब आगे ये तो नहीं बताया था मैंने, इसके बाद था कमिट, गेट कमिट की कमांड थी, इसके बाद गेट कमिट माइनस एम और आपका मैसेज, गेट पुश के आगे डॉट लगाना। अब ये जो आपके पास प्रॉब्लम आया ना मेरे दोस्त, इसको ज़रा स्क्रॉल कीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, ये आपने जो गिट कमिट किया ना, ये कह रहा है कि आपका जो नाम वो सेट नहीं हुआ हुआ, ये पहली दफ़ा होता है सर, आपका ना नाम सेट नहीं हुआ हुआ, ये ऊपर जो गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल, और ये पूरा है ना, ये पूरी लाइन कॉपी करो, हाँ ये जो गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल की जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन को कॉपी करो, हाँ इस लाइन को कॉपी करो, और नीचे उसको नीचे करके पेस्ट करके उसको चला दो,
एक मिनट यार, ये तुमने क्या किया है, दोबारा पेस्ट करके चलाओ, गलत पेस्ट हुआ है वो साथ में, पता नहीं तुमने कुछ और भी लिखा हुआ था, उसके पहले से कुछ लिखा हुआ था उसी पे पेस्ट हो गया। हाँ करो, अब एंटर करो। हाँ ये सही हो गया। उसके साथ ही एक और लाइन भी लिखी हुई थी, ये यूज़र डॉट ईमेल है ना, और यूज़र डॉट नेम वाली एक थी लाइन, उसको भी कॉपी करो, ये नेम वाली जो लाइन है। ये गिट इंस्टॉल करते हो ना जब आप, तो सिर्फ पहली दफ़ा ये काम करना होता है आपको, एक दफ़ा ज़िंदगी में सिर्फ, जब पहली दफ़ा गिट इंस्टॉल होता है तो। ठीक हो गया। अच्छा अब गिट पुश का, हाँ नहीं, अब वो तीनों कमांड आप रिपीट करोगे, गिट ऐड वाली और गिट कमिट वाली और गिट पुश वाली, ये तीनों कमांड आप दोबारा से लिखोगे। यानी ज़िंदगी में आपको कोई कमांड ही नहीं चलाने देगा ना, जब तक आप ये सेट नहीं करोगे आपको कोई कमांड रन नहीं करने देता ये। अच्छा जो दूसरे लोग हैं जिनके पास सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसको रिलेट कर लें, और वो भी साथ साथ करते जाएं जैसे मैं इनको बता रहा हूँ। सही है, तुम्हारा माइक मैंने बंद किया। अच्छा ये जो है क्या हो गया, कमिट हो गया। अब इसमें लिखोगे गिट पुश और एंटर करोगे तो ये पुश हो जाएगा गिटहब डॉट कॉम पर। सही है, अलाउ कर दो, क्या है ये, हाँ अलाउ करो इसको, ये गूगल क्रोम पे तुम्हें साइन इन का एक ऑप्शन खोलेगा ये। अच्छा इसको ना, ये गलत ब्राउज़र पे खुला है तुम्हारे ना, इसका यूआरएल कॉपी करो, जो यूआरएल है ना इसका वो कॉपी करो, इसको गूगल क्रोम पे लेकर जाओ, ये तुमने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो किया हुआ है ना सेट, कंट्रोल ए करो, हाँ कॉपी करो इसको, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको गूगल क्रोम पे ओपन करो। हाँ यहाँ से इसको ऑथराइज़ करो, ऑथराइज़ का बटन दबाओ, उसको हाइड कर दो ना छोटा सा जो डायलॉग बॉक्स घूम रहा है इधर उधर, अपना गिटहब डॉट कॉम का पासवर्ड यहाँ पे एंटर करो। गूगल क्रोम को अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट करें, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, ओपन कर दें इसको भी दोबारा, डोंट आस्क अगेन, ठीक है। ये काम भी पहली दफ़ा ही होता है, एक ही दफ़ा होता है, ये जो अभी आपने किया ना ऑथेंटिकेट किया इसको, ऑथराइज़ किया, ये भी पहली दफ़ा होता है, दोबारा आपसे ये बात नहीं पूछेगा ये। अब आप इसमें मज़ीद कोई चेंजेस करें, ये तो कमिट आपका पुश हो गया, जाके ज़रा बल्कि पहले तो देखें कि ये वहाँ पे पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, पहले तो जाके वहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करें, देखें यहाँ पे वो चेंजेस पहुँच गई हैं कि नहीं पहुँच गई, ये चेंजेस पहुँच गई हैं यहाँ पर, ठीक है, खोल कर भी देख लें फाइल में। अब वापस जाके अपने कंप्यूटर में उसको मज़ीद चेंजेस करें उसमें। इसमें कुछ मज़ीद टेक्स्ट लिखें और उसको दोबारा से आपने सारे तीन स्टेप जो है दोबारा से रिपीट करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है भाई। नहीं ये तुमने गलत लगा दिया, डबल कोटेशन लगाना था ना, क्या लगा दिया तुमने सर? ये मैंने भी जो है ना, जैसे इसमें पहले पूरा विजुअल स्टूडियो पे बना लिया था, फिर इसकी जब रिपोजिटरी में जाके मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, उसके बाद भी फाइल शो नहीं हो रही है। सही है, कमिट पुश सही हो रहा है तुम्हारे पास से? कमिट पुश तुम सही कर रहे हो या ये मुझे लग रहा है शायद इस वजह से हो रहा है कि तुम फाइल को ना सेव किए बगैर कमिट और पुश कर रहे हो, फाइल को सेव करना भूल गए हो शायद तुम। सर ये मैं अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आप पहले इनका देख लें फिर ये वाला। बस इनका तो हो गया, बस ये कमिट और पुश की कमांड चलाएंगे तो ये सही हो जाएगा। सर मैं शेयर करूँ स्क्रीन अभी? हाँ समीर जल्दी जल्दी लिखो इसको, कमिट पुश जल्दी जल्दी चलाओ। सही है, अब पुश करो, गेट पुश की कमांड चलाओ। क्या करूँ सर? हाँ
बस अब ये आ गई होंगी चेंजेस, रिफ्रेश कर लो इसी पेज को। रिफ्रेश करो इस पेज को। रिफ्रेश करो इस पेज को। अरे बच्चा फाइल को खोलो तो सही, फाइल के अंदर जाओ। अच्छा वो वापस जाओ, उधर फेल हो गया क्या पुश? देखो जाके जो पुश की कमांड जहाँ पे चलाई थी वहाँ जाओ। अच्छा यार वो तुमने गिट ऐड रन किया था पहले? गिट ऐड नहीं रन किया तुमने, डायरेक्ट कमिट कर दिया। देखो जरा स्क्रॉल करो, गिट ऐड तुमने नहीं चलाया। गिट ऐड तुम चलाना भूल गए हो। दोबारा तीनों कमांड दोबारा चलाओ, तीनों कमांड दोबारा चलाओ। कमिट के बाद एक स्पेस भी तो था, गिट कमिट के बाद एक स्पेस है, उसके बाद है वो डबल कोटेशन। हाँ सही है सही है सही है। अच्छा इसको पूरा चलने दो पुश को, ये जब बोलेगा ओके फिर हम जाके उधर रिफ्रेश करेंगे। अनेबल टू एक्सेस, इंटरनेट बंद हो गया तुम्हारा। अच्छा पहली बात तो ये जो तुमने पावर शेल खोला हुआ है ना, ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ना, इसको चेंज करो पावर शेल को। देखो ये चेंज कैसे होता है, सब लोग देखना है इसको ना। ये जाओ छोटा सा एरो है ना जो डिलीट का जो बटन है उसके पड़ोस में राइट पे, जो इसी टर्मिनल के जो राइट मोस्ट पे जाओ और राइट मोस्ट पे देखो पावर शेल। मेरा बच्चा टर्मिनल पे राइट में जाओ, जहाँ टर्मिनल जितने बॉक्स में खुला हुआ है ना उस बॉक्स में राइट पे जाओ। देखो यहाँ पे एक एरो डाउन बना हुआ है छोटा सा एक प्लस के साथ, ये एरो डाउन प्रेस करो इसको और इसमें लिखा हुआ होगा सेलेक्ट डिफॉल्ट लास्ट में, बिल्कुल इस पर क्लिक करो। इसमें सेलेक्ट करो गिट बैश, ये सेकंड नंबर पे देखो आ रहा है गिट बैश। हाँ अब इस टर्मिनल को डिलीट करके नया खोलोगे ना तो गिट बैश खुलेगा। अब डिलीट कर दो इसको और नया खोलो, ठीक है। पावर शेल पे ना बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आता है हमेशा ना, तो पावर शेल को यूज़ ना करें, आप ये गिट बैश यूज़ करें। हाँ अब इसके अंदर गेट पुश चलाओ, ज़रा सिर्फ गेट पुश चलाओ, देखो वो क्या आप कहता है फिर, क्योंकि वो तो कह रहा था इंटरनेट बंद हो गया तुम्हारा, हालांकि कॉल पे तुम ऑलरेडी हो। देखो ये फ़ौरन पुश हो गया, सही है। तो वो पावर शेल का प्रॉब्लम था ना, तो ये देखें मैंने इनको ना जितनी चीज़ें बताई हैं ना समीर को, तो बाकी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है ना कि ये देखें जो जो प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकती थी ना वो सारी प्रॉब्लम इनके पास आई हुई थी और वो मैंने एक एक करके रिजॉल्व करवा दिए। तो इसको सब लोग ना देख के रिलेट कर लें और इसी तरह से प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व कर लें। अच्छा एक और दोस्त कौन दिखाना चाह रहे थे मुझे अपनी स्क्रीन? सर
सर जी मैं सर ये देखें, जैसे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोला ना अभी, इसमें मैंने गिट बैश ओपन किया। अब मैं जैसे यहाँ, अब जैसे इसमें देखिए आपने, मैंने मॉडिफाई भी किया था, ये जैसे क्रॉस भी बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब यानी सेव हो चुका है ये, कुछ हो रहा। अच्छा अली शेर, तुम्हारी स्क्रीन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। हाँ हाँ शेयर कर दें स्क्रीन अपनी। सर ये इंटायर स्क्रीन? हाँ इंटायर स्क्रीन। ओके सर, अब हो रही है शो? अभी तक तो लोड नहीं हुई है। सर आ गई है? नहीं, शेयर का बटन डिसेबल हुआ हुआ है क्या तुम्हारा? सर किया है, मैं तो क्लिक कर रहा हूँ इस पे शेयर पे। हाँ वो डिसेबल हुआ हुआ है ना, क्लिक नहीं हो रहा होगा। तो जी वो नहीं हो रहा तुम्हारे है, क्या सामने जो वजह छोटे से? छोटे तीन चार बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं ना स्क्रीन की, उसमें से एक सेलेक्ट करो जिसपे लिखा हुआ है ना एंटायर स्क्रीन लिखा हुआ है, या जो भी लिखा हुआ जी जी होगा सर, बटन वो तो कर लिया है। उस पर एक बार क्लिक करोगे तो फिर शेयर का बटन इनेबल होगा। सही है। एंटायर स्क्रीन? हाँ उस पर क्लिक करोगे तो शेयर का बटन इनेबल होगा, उसके उससे पहले जो है ना वो शेयर का बटन ऐसा लगेगा डिसेबल है। सर ये दो आ रहे हैं, कैंसिल और शेयर। शेयर पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन शेयर नहीं हो रहा है। हाँ वो शेयर, तुम मुझे ये बताओ कि शेयर का जो बटन जिस बॉक्स में बना हुआ आ रहा है, उस बॉक्स में क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? सर ये शेयर लिखा हुआ है, इसके साइड में कैंसिल लिखा हुआ है, नहीं वो और बाकी ये स्क्रीन दिख रही है मेरी छोटी सी, ओके छोटी सी स्क्रीन दिख रही है ना, उस पर एक बार क्लिक करो, उसके जी बाद शेयर का बटन दबाओ। ओके जी अब हो गई। सर अब हो गई शो? जी सर, सर आ गई है। हाँ स्क्रीन आ गई है आपकी। अब आप अपनी प्रॉब्लम ज़रा एक्सप्लेन करें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके पास। सर ये देखें, जैसे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोला, हाँ अब इसमें देखें जैसे मैंने पहले मॉडिफाई भी किया था और ऊपर क्रॉस बना हुआ रहा है, इसका मतलब यानी ये सेव भी हो चुकी है। ठीक अब है, इसमें जैसे मैंने गेट डॉट गेट एट सही लिख रहा हूँ ना सर? हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो। गया अब गेट कमिट, गेट पुश। गेट, ये देखो ना तुम्हारे पास एरर आ रहा है, गेट कॉन्फिग वाला। तुमने अपना नेम तुमने भी सेट नहीं किया हुआ। ये दो कमांड आ रही है ना जो नेम वाली और ईमेल वाली, सर मतलब पहले ये कॉपी करके चलाओ अपने पास। ये ऊपर लिखी हुई डेस्कटॉप, गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, ये वाली कमांड इसी में लिखी हुई आ रही है सामने तुम्हारे ना, एरर के मैसेज में ही लिखी हुई आ रही है सर, कमांड ये ये। जो येलो डेस्कटॉप, नहीं ये जो नहीं लिखा हुआ डेस्कटॉप ये वाला, तुम टर्मिनल के अंदर जो जो शुरू की तीन लाइन है वो देखो, गेट कॉन्फिग। जी हाँ ये ग्लोबल को मैं माइनस माइनस, ये पूरी को कॉपी करो, पहली लाइन को कॉपी करो, ये ये वाली वाली जो है ना, हाँ गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल, इसको देखो कॉपी करो, इसको नीचे रन कर दो। कॉपी यहीं पे रन कर दो? हाँ पेस्ट करके रन करो, इसी तरह ये नीचे नेम वाली जो कमांड है ना यूज़र डॉट नेम वाली, ये भी इसी तरह करो। यूज़र डॉट नेम, सर पहली वाली शो हो रही है?
नहीं सही तो तुमने किया ना, पहले एंटर तो कर दो एक पे, पहले एक कमांड जो लिखी है तुमने उस पे एंटर तो प्रेस कर दो। अब दूसरी वाली कमांड जो कॉपी की थी वो चला दो। अच्छा अब दोबारा से तीनों जो तुमने तुम्हारे तीनों कमांड्स है ना, ओके गिट ऐड डॉट और गिट कमिट और गिट पुश, ये तीनों कमांड अब दोबारा से चलाओ। देखिए शो हो रही है आपके पास? मेरे पास तो शायद तुम्हारी स्क्रीन स्टक हो गई है, लेकिन तुम चलाओ कमांड चल जाएगी तुम्हारे पास अभी। गिट ऐड डॉट, ये भी हो गया। फिर स्क्रीन मेरी स्टॉप हो गई है आपके पास? नहीं सही है, वो थोड़ा देर देर से अपडेट हो रही है। सही है तुम लिखते जाओ, अभी गिट एड डॉट लिखा है तुमने, दिख गया है मुझे वो। सही है, गिट कमिट एनएसएम। ये वाली भी ठीक हो गई, अब गिट पुश। हाँ देखो पहले ना गिट कमिट में तुम्हें एरर आ जाता था, अब की बार एरर नहीं आया। अब की बार इसने बोला है कि भाई हो गया, वन फाइल चेंज हो गया। अब मैं गेट पुश करूं, गेट हाँ अब गिट पुश करोगे। पुश स्पेस और फिर एंटर? नहीं गिट गिट स्पेस पुश और एंटर। ठीक, अब ये मैंने कर दिया, शो हो रहा है आपके पास? हाँ हाँ शो हो रहा है मेरे पास। सही है, अब मैं रिपोर्ट रिपोजिटरी पे जा रहा हूँ। ठीक है सर, दिख रहा है रिपोजिटरी? हाँ करो रिफ्रेश आ जाएगा अभी। आप दोबारा से ये ज़रा देखो, जहाँ कमांड चलाई थी वहाँ पे जाना दोबारा से, कमांड फेल हो गई है तुम्हारी क्या? चलिए रहा, ये तो गेट पुश अभी तक आगे ही नहीं बढ़ा है, ये क्या चक्कर है? चलिए यही इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये इधर रुक जाता है क्या ऐसे ही? कंट्रोल सी करके नहीं इसको नहीं ये तो रोको हो गया गेट कमांड पुश। को, कंट्रोल सी करके। हाँ ये आ गया ना, ये ऊपर खुल तो गया तुम्हारे पास। इस पे जाओ, ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है ना नया वाला, पीछे एक नया डायलॉग बॉक्स खुला है जो, इसके और आगे जो लास्ट वाला जो सर खुला हुआ है, कहाँ, लास्ट वाला, लास्ट वाला जो है। सर अरे कहाँ? VS कोड दिख रहा है ना जो, बिल्कुल नीचे उसका आइकन दिख रहा है, उसके पड़ोस में एक और आइकन है ये ओके वाला। ओके ओके, ठीक, जी हाँ ये ये लॉग साइन इन विद योर ब्राउज़र ऐसे करो। कर दिया साइन इन अभी अब ओपन। ये गूगल क्रोम पे ये खुलेगा, ऑथराइज का बटन बना हुआ आएगा। गूगल क्रोम है या जो भी है तुम्हारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, उस पे ये ओपन होगा। सर अभी तक तो नहीं है ये नया होगा, इस अभी पे। होगा, ओपन होगा। अच्छा ये इसमें गूगल क्रोम चलिए सेलेक्ट कर लो और ऑलवेज का भी बटन दबा देना। इसका क्या है सर? इसमें ऑथराइज ये करो, ऑथराइज।
सर स्क्रीन शो हो रही है ना आपके पास? हाँ स्क्रीन शो हो रही है तुम्हारी। ये अभी वो जो ऑथराइज किया है इसके बाद ही खुल जाएगा। वापस ज़रा VS कोड में जाना, वहाँ पे उसने क्या बोला है कि हो गया है। VS कोड में जाओ जहाँ पे कमांड रन की। हाँ या अभी ये तो पुश हो गया है यहाँ से, ये कह रहा है कि पुश हो गया है। अब रिपोजिटरी में जाए। हाँ अब रिपोजिटरी में जाकर रिफ्रेश करो, वहाँ पे आ चुका होगा। या अगर रिपोजिटरी में अभी रिफ्रेश कर दिया। हाँ अब आ गया ना, ये देख लें सर। सही है, बहुत अच्छा भाई, ज़बरदस्त। अब अगर हम आइंदा करेंगे तो ये ऑथराइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप डायरेक्ट जैसे हाँ बता रहे ये हैं वैसे। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो पहली बार ही होती है, जैसे वो गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल जो था वो सिर्फ पहली दफ़ा होता है। इसी तरह ये ऑथराइजेशन एक बार हो गई है ना, अभी अगले 2-3 महीने तक दोबारा से आपसे नहीं पूछेगा ये। वो फिर एक्सपायर एक्सपायर हो गया तो शायद वो फिर पूछता है, या लॉग आउट हो गया अगर किसी वजह से तो फिर पूछता है। ऐसे नॉर्मली वो फिर आपसे पूछेगा नहीं, आप पुश करोगे डायरेक्ट पुश होगा। अच्छा जी, कोई चलिए और अब यानी ऐसा नेक्स्ट है टाइम हम करेंगे। जिसके पास कोई प्रॉब्लम आ रही हो? सर मैं स्क्रीन बंद कर दूँ? हाँ स्क्रीन बंद कर दो आप। ओके सर। किसी और के पास कोई प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ शेयर करें। अच्छा अभी मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ आज की। अच्छा जी ये अटेंडेंस हो गई हमारी, और आज डेट है हमारे पास 24 अक्टूबर। ठीक है जी, आपकी अटेंडेंस मार्क कर ली है मैंने, 16 लोग आज प्रेजेंट थे क्लास में। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि कुछ ना थोड़ी सी हम आगे पढ़ाई करते हैं।